नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है मोनू मिश्रा और मैं यहाँ पे एजुकेशन, साइंस और आउटरीच रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है PhD के ऊपर कि PhD का पूरा प्रोसेस क्या होता है। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन से लेके फाइनल वाइवा तक कि कैसे एडमिशन से वाइवा तक की प्रोसेस पूरी चलती है। तो दोस्तों, जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर जो समय के HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जुलाई 2021 से PhD कंपलसरी थी टीचिंग पोजीशंस के लिए यूनिवर्सिटीज में। हालांकि वो ऑर्डर जो था कॉलेजेस के लिए वैलिड नहीं था, कॉलेजेस में स्टिल वो पुराना क्राइटेरिया फॉलो हो रहा था जिसके लिए आपको मास्टर डिग्री प्लस नेट का क्राइटेरिया था, मगर यूनिवर्सिटीज के लिए क्राइटेरिया चेंज करके उन्होंने PhD कंपलसरी कर दी। उसके पीछे उनका रीजन ये था कि वो PhD में रिसर्च का जो आउटपुट है वो बढ़ाना चाहते थे, उसकी फैसिलिटी डेवलप करना चाहते थे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते थे रिसर्च का, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आज के बाद से, मतलब जुलाई 2021 के बाद से PhD वॉज कंपलसरी अगर आप टीचिंग पोजीशन में जाएंगे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। मगर आप यूनिवर्सिटी के अलावा कॉलेजेस की बात भी करें तो कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया रखा गया है जिसे कहते हैं API स्कोर, और वो 100 में से रैंक करता है कि इसके इतने मार्क्स, इस चीज के इतने मार्क्स, इस चीज के इतने मार्क्स और इस चीज के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो अगर वो क्राइटेरिया आप उठा के देखें तो उसमें PhD के 25 से 30 मार्क्स होते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो PhD के आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, और अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये सोचिए, अगर आप PhD कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको सीधे सीधे काफी सारे मार्क्स का फायदा हो जाएगा। तो मगर बहुत से लोगों को PhD के बारे में पता नहीं होता कि PhD की प्रोसेस क्या होती है, कितना टाइम लगता है और क्या क्या उसके बीच के स्टेप्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैक्सिमम डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूं। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट स्टेप ऑफ PhD इज टेकिंग एडमिशन, कि आपको सबसे पहले एडमिशन लेना पड़ता है। तो एडमिशन लेने के लिए या तो आपके पास कोई फेलोशिप होनी चाहिए, बिना फेलोशिप के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब वो फेलोशिप किसी भी तरह की हो सकती है, क्योंकि PhD के लिए बहुत सारी फेलोशिप होती हैं, उसके इसके पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि PhD के लिए कौन कौन सी फेलोशिप मिल सकती है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख एक बार देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है एडमिशन लेना। एडमिशन लेने के लिए बहुत सारी आपकी फेलोशिप होती है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद यूजुअली इंडियन सिनेरियो में UGC कहता है कि मिनिमम 3 इयर्स का ड्यूरेशन आपका होना चाहिए PhD का, मगर आप अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 5 साल से, 4.5 से 5 साल लोगों को लग जाते हैं। सो गाइस, अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है जब आपने एडमिशन ले लिया है तो आप एनरोल होंगे कोर्स वर्क में। कोर्स वर्क करना PhD में कंपलसरी है, चाहे आप पार्ट टाइम PhD कर रहे हैं, चाहे आप फुल टाइम PhD कर रहे हैं, कोर्स वर्क आपको करना ही पड़ेगा। UGC के 2009 के जो गाइडलाइंस है PhD के लिए, उसमें उन्होंने कोर्स वर्क को कंपलसरी करा हुआ है कि अगर आपको PhD करनी है, चाहे किसी मोड से करनी है, तो आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा। अब कोर्स वर्क में आपको कुछ गिने चुने कोर्सेज करने होते हैं, हो सकता है वो कोर्स आपके फैकल्टी मेंबर्स ही कराएं, और हो सकता है कोई स्पेशलिस्ट बुला के बाहर से भी कराया जा सके। कोर्स वर्क में आपको 1 से 1.5 साल का टाइम दिया जाता है कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ कोर्सेज को पास कर लें। आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करने होते हैं, और वो क्रेडिट पॉइंट्स आपके 12 से लेकर 20 तक हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप किस तरह की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। उसके अलावा एक क्राइटेरिया भी होता है, जैसे IITs में एक क्राइटेरिया है कि अगर आप कोर्स वर्क में मिनिमम 7.5 CGPA नहीं ला पाए तो आपको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाएगा, एज वेल एज आपकी फेलोशिप भी टर्मिनेट कर दी जाएगी। मगर ये क्राइटेरिया कई यूनिवर्सिटीज में रिलैक्स भी होता है, जैसे मैं जिस इंस्टीट्यूट में था वो क्राइटेरिया 7.5 का ना होकर 6.5 का था। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कोर्स वर्क में नंबर के लिए, जो कि कंपलसरी होते हैं। तो थर्ड स्टेप है आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन क्या होता है, जब लोग आप कोर्स वर्क पास कर लेते हैं देन यू आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन PhD, मतलब जब तक आपने एडमिशन लिया है तब तक यू आर जस्ट एनरोल्ड इन PhD। कॉम्प्रिहेंसिव के बाद आप ऑफिशियली PhD में रजिस्टर्ड होते हैं। सो 1 से 1.5 साल के बाद आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है। ये एग्जामिनेशन भी यूनिवर्सिटी के अंडर ही कंडक्ट कराया जाता है। हो सकता है आपके जो गाइड है वो ले, आपका डिपार्टमेंट ले, या फिर आपका अगर HRD का पूरा एक डिपार्टमेंट है वो भी ले। अब कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन किस तरह का होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन डिफर करता है। कई जगह ये रिटन एग्जाम होता है, कई जगह इसका ओरल प्रेजेंटेशन होता है, और कई जगह इसका
एक पीपीटी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन इसलिए मेन होता है क्योंकि आपका पीएचडी का जो टाइटल है वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ही में ही जाकर फाइनल होता है कि आप किस टाइटल के ऊपर पीएचडी करेंगे और क्या क्या आपकी रिसर्च होगी, ये सब आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन में डिसाइड हो जाता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के बाद आपकी डीआरसी या डीएसी फॉर्म होती है जिसको कहते हैं डॉक्टोरल रिव्यू कमेटी या डॉक्टोरल एडवाइजरी कमेटी। अब ये कमेटी में 3 से लेकर 5 साइंटिस्ट तक या फिर 3 से लेकर 5 प्रोफेसर तक हो सकते हैं जो मॉनिटर करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कैसे कैसे चल रही है। तो जब आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन हो गई उसके बाद आपकी डीआरसी फॉर्म होगी और वो हर 6 महीने बाद या हर 1 साल बाद आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगी। हर 6 महीने बाद आपकी एक मीटिंग होगी जिसमें आप उनको दिखाएंगे कि मैंने ये काम करा है, ये मेरे रिजल्ट आए हैं। वो मॉनिटर करेंगे कि आपकी पीएचडी ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये ऑलमोस्ट हर जगह फॉर्म होती है, इसमें कुछ सीनियर्स लोग होते हैं जो आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और विद टाइम बताते हैं कि आपको ये करना है, बेसिकली आपको एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं और आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। सो गाइस, जब आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन हो गया, आपकी डीआरसी फॉर्म हो गई, इसके बाद से आपकी ओरिजिनल रिसर्च स्टार्ट होती है। तो आपने गाइड से मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जाते हैं, तो ये तो बीच का जो भी है टाइम चलता है। 3.5 ईयर के बाद आपकी रिसर्च आपकी कंटिन्यू होती है, वो आपकी अपनी पेस पे चलती है कि आप किस स्पीड से उसे चलाना चाह रहे हैं। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस क्या होता है? जब आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन भी हो गई, आपकी डीएससी भी फॉर्म हो गई है, वो आपकी प्रोग्रेस सेटिस्फाइड भी है और आपने जो टाइटल डिसाइड करा था वो अचीव कर लिया, तब आप एक सिनॉप्सिस देते हैं। सिनॉप्सिस माने एब्स्ट्रैक्ट या ओवरव्यू कि आपने क्या रिसर्च करी है। तो फिर आप जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में, अपने गाइड के थ्रू डिपॉजिट करवाते हैं कि ये मेरा सिनॉप्सिस है, ये मैंने काम किया और मेरा इतना काम अचीव भी हो गया है। तो फिर सिनॉप्सिस में एक प्रेजेंटेशन होती है, कई बार ओपन भी होती है कि बहुत सारे लोग उसमें आके बैठेंगे, देखेंगे आपने क्या काम किया है। तो सिनॉप्सिस में आप जाते हैं, अपना पूरा जो काम है 3-4 साल जितने भी आपको टाइम लगे है उसका टाइम का एक ओवरव्यू देते हैं कि मैंने इतने टाइम में ये काम किया है, ये मेरे रिजल्ट है, ये मेरे डिस्कशंस है, ये सब आप करते हैं। जब आपका सिनॉप्सिस पास हो जाता है, मीन्स हो सकता है कई बार उसमें कमेंट आए, हो सकता है कुछ लोग सजेशन दे, हो सकता है कुछ रह गया, जब ये सब हो जाता है कि मतलब आपका सिनॉप्सिस दे दिया, उसका जो कमेंट है वो सब आपका फाइनल सब कुछ हो जाता है, तो आप समझते हो कि हाँ यहाँ पे मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट स्टेप है थीसिस राइटिंग का। आपने सिनॉप्सिस दे दिया, आपके काम से सब सेटिस्फाइड है, आपको नहीं लगता कि आपको आगे कुछ करना चाहिए, कि मतलब मेरे जो गोल्स थे, जो मेरे एम्स थे वो अचीव हो गए हैं, तो आप थीसिस को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो थीसिस लिखने में ऑलमोस्ट डिपेंड करता है 5 से 6 महीने का टाइम या 3 महीने का टाइम, जो भी आपको लिखे, तो आपके जो भी रिजल्ट है, जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपके आउटकम है, वो आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप है थीसिस राइटिंग आपका। आप पूरी थीसिस लिखते हैं, अपने गाइड को देते हैं, वो चेक करता है, फिर लिखते हैं, फिर जो भी आपके मतलब आपस में रिविजन वगैरह जो भी होती है वो करके एक फाइनल फॉर्म में ले आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका थीसिस सबमिशन। जब आपकी थीसिस लिख गई, उसमें कोई आपको गलती नहीं लगती है कि मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा गाइड भी एग्री है, सब कुछ है, तो आप थीसिस को सबमिट कर देते हैं। थीसिस सबमिट करने के बाद आप फ्री हो जाते हैं। थीसिस सबमिट करने के बाद आप अपने काम से फ्री हो जाते हैं और उसके बाद वो सब डिपार्टमेंट का काम है कि वो कैसे उसको रिव्यू करने के लिए भेजेगा। जब आपने एक बार थीसिस सबमिट कर दी तो वो रिव्यू होने जाएगी, कुछ फील्ड के आपके एक्सपर्ट होंगे जिनको थीसिस भेजी जाएगी, उनके कमेंट्स आएंगे, उनके क्या उनको क्या लगता है, क्या कमी है, क्या ज्यादा है, उनके फिर कमेंट आने का वेट करते हैं। तो थीसिस रिव्यू में ऑलमोस्ट आपके 6 महीने या 4 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका वाइवा। जब आपके थीसिस रिव्यू के आ गई, कुछ कमेंट्स आए और आपने वो दूर कर दिए और आपको लगता है फाइनल है, देन एक आपके ओपन वाइवा या फिर डिफेंस की तारीख रखी जाती है, जिसमें बाहर से जिन लोगों को आपने थीसिस भेजी थी, आपको नहीं पता था ऑब्वियसली, जिन लोगों के पास भी थीसिस गई थी उनमें से कोई एक आता है और आपको उसके सामने अपने काम को डिफेंड करना होता है। मतलब आप एक प्रेजेंटेशन देंगे 50 मिनट से 1 घंटे के बीच की होती है यूजली, 45 मिनट से 1 घंटे की होती है यूजली, फिर आप उस काम को डिफेंड करते हैं। डिफेंड करने में क्या है कि आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, और जब आप सबको डिफेंड कर लेते हैं तो वो आपकी रिपोर्ट पे साइन करके चला जाता है कि हाँ ये सेटिस्फैक्ट्री है और इस इंसान को डॉक्टरेट की डिग्री दे देना चाहिए। तो जिस दिन वो साइन करके जाता है उसके अगले दिन से आपको प्रोविजनल डिग्री दे दी जाती है, मतलब इशू हो जाती है कि हाँ इन्होंने अपनी थीसिस को डिफेंड कर लिया है, नाउ ही कैन बी कॉल्ड एज डॉक्टर XYZ, जो उनका नाम है उसके आगे डॉक्टर लगा दिया जाता है। तो यहां पे आपकी पूरी पीएचडी की प्रोसेस कंप्लीट होती है ओपन वाइवा में।
तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन से और वाइवा पे खत्म होती है, उसके बाद प्रोविजनल मिलता है और ओरिजिनल डिग्री आपके 6 से 8 महीने या 1 साल बाद आपको मिल जाती है। तो कुल मिला के ये पूरा टाइम लगता है, ये सारे स्टेप्स होते हैं। अगर मैं आपको इन समरी बताऊं तो आप स्टार्ट करते हैं एडमिशन से, एडमिशन के बाद कोर्स वर्क के बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव, फिर डीआरसी के बाद आपका रिसर्च होता है, फिर सिनॉप्सिस होता है, फिर थीसिस राइटिंग होती है, थीसिस सबमिशन होता है और फाइनल डिफेंस होकर आपको 10 स्टेप पूरे और आपको डिग्री मिल जाती है। सो गाइस, ये आपकी पूरी स्टोरी थी पूरी प्रोसेस की। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए। और आपको कुछ कमेंट है तो वो, आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल सकते हैं। और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।